आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी डिश बता रही हूँ, क्योंकि अब पानी गिरने लगा है। इस मौसम में बढ़िया चटपटी चीज़ों खाने का आनंद ही कुछ और होता है, इसलिए मैं आपको बड़ी अच्छी डिश बता रही हूँ। दादी तो बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाती हैं, पर आप लोग शायद पूरे ही नहीं देखते। पूरे देखिए तब पता चले कि क्या दादी बना रही हैं। देखिए, मैं एक कटोरा ले लिया है, मैंने एक कटोरा ले लिया है। इसमें मैं अपने साबूदाने जो मैंने 2 घंटे पहले गला दिए थे, अच्छे से गर्म पानी से गला दिए थे, और उनको मैंने निकाल के ले लिया है। ये देखिए, मेरे साबूदाने इतने अच्छे गल गए हैं। देखिए, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 आलू। मैंने साबूदाने ले लिए थे और इसमें मैं अब 2 आलू डाल रही हूँ। मैं तो बड़ी झटपट और जल्दी बनने वाली डिश बताती हूँ, है ना। ये देखिए, मैंने 2 आलू उबालकर और उनको मैश करके रख लिया था। अब मैं अपने इसमें डाल रही हूँ साबूदानों में प्याज। ये मैंने प्याज ले ली है और अब मैं इसमें बिल्कुल पतली पतली काटी थी मैंने, आप जितनी पतली काट सकें उतनी ही छोटी और पतली प्याज काटिएगा। एक गठिया प्याज मैं इसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर। ये देखिए, मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर ले लिया है। मैं इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। ये देखिए, अब मैं इसमें डाल रही हूँ अमचूर पाउडर। ये देखिए, मैंने 1 चम्मच अमचूर पाउडर ले लिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन। अजवाइन के बिना तो इस जिसका कोई महत्व ही नहीं है। अजवाइन से इसमें बड़ा अच्छा स्वाद आता है और बरसात में अजवाइन बहुत अधिक फ़ायदे वाली होती है। अब देखिए, मैं इसमें डाल रही हूँ सौंफ। मैंने इसमें सौंफ डाल ली है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। ये मैंने 1/2 चम्मच नमक ले लिया है। थोड़ा सा और डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं बेसन ही डाल रही हूँ ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा नमक और डालना पड़ेगा। अब देखिए, मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कटोरी के अंदाज का बेसन। ये मैंने 1 कटोरी बेसन ले लिया है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। अब मैं सारे मिक्सचर को हाथ से ही मिलाती हूँ। मुझे तो हाथ से ही मिलाने में अच्छा लगता है, चम्मच चम्मच से मुझे मिलाने में अच्छा नहीं लगता है। खाना बनाने के पहले हमें अपने हाथों को बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए और इस मिक्सचर को बड़े आराम से धीरे धीरे पूरा ही मिलाना चाहिए, जिससे कि ये बहुत ही अच्छी तरह से एक दूसरे से मिक्स हो जाता है और नमक वगैरह, हल्दी, अजवाइन सब अच्छे से मिल जाती है। ये देखिए, ये मेरा इस तरह से मैंने अपना मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब जब तक मेरा मिक्सचर हो रहा है, मैं अपनी गैस चालू करती हूँ। मैंने अपनी गैस चालू कर दी है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी किंचती हुई अपने इसको अच्छे से मैश करूँगी। ये देखिए, ये मैं बहुत अच्छे से इसको मिला रही हूँ। इसको जितना अच्छा हम मिलाएंगे, जितना अच्छा बेसन हमारा हो जाएगा, उतने ही अच्छे हमारे जो है ये टिक्की अच्छी से बन जाएंगी। ये देखिए, ये मेरा अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से टिक्की बनाने के लिए हमारा तैयार हो गया है। इस तरह से आप इसको मिला लीजिए। ये देखिए, मैं तो बहुत जल्दी झटपट बनाने वाली आपको डिश बताती हूँ। ये देखिए,
ये बहुत अच्छा, जितना आप इसको मिलाएंगे उतना ही अच्छा ये आपका मिक्सचर तैयार हो जाएगा। अब इस मिक्सचर में से मैं एक कटोरी में थोड़ा सा मिक्सचर निकाल लेती हूँ, इसमें मैं मिर्च नहीं मिला रही हूँ। ये देखिए मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच मिर्च। बहुत ही अच्छा चटपटा चटपटा बनाना है ना हमें इसमें, इसलिए इसमें मिर्च तो बहुत अधिक होना चाहिए। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च डाल सकती हैं, हरी धनिया भी डालना चाहिए, हरी धनिया डाल सकती हैं, और अगर चाट मसाला चाहें तो आप चाट मसाला भी इसमें मिला सकती हैं। देखिए ये मेरा बहुत ही अच्छा मिक्सचर तैयार हो चुका है और हमारी कढ़ैया भी हो चुकी है। अब मैं थोड़ा सा पानी लगाती हूँ और एक लोई लेती हूँ और उसके बड़े बना रही हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल धीरे धीरे छोटे छोटे इस तरह से हमको अपने बड़े तैयार कर लेना चाहिए। अब मैं इसको कढ़ाई में डालती हूँ और देखती हूँ कि मेरी कढ़ाई हुई कि नहीं। कढ़ाई बहुत अच्छी हो चुकी है। ये मैं इस तरह से अपने सारे बड़े बना के और सेकती जाऊंगी। मैं आराम से बना लेती हूँ। ये बरसात है ना, पानी गिर रहा है, तो बरसात में तो हमें अच्छी चटपटी चटपटी चीज़ों को खाना चाहिए। ये देखिए आप इनका कोई भी साइज दे सकती हैं। इनको खाते ही आप कहेंगे वाह दादी आज तो आपने बहुत अच्छी डिश डाली, रोज़ तो आप बड़ी बोरिंग डिश डालती थी, आज मैंने बहुत ही चटपटी और बहुत ही स्वादिष्ट ये डिश। देखिए हमारे साबूदाने के बड़े, ये देखिए इस तरह से हम इनको बिल्कुल सुनहला सुनहला तलेंगे, अच्छा कम कर देंगे गैस, जिसमें बहुत अंदर तक आराम से हमारे ये बड़े सिक जाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे और फूल रहे हैं। देखिए ये हमारे बड़े कितने टेस्टी टेस्टी बन रहे हैं और बहुत ही अच्छे से फूल जाएंगे। इसको बनाना बड़ा ही आसान है, बड़ा ही सरल है। आप बनाइए और सभी बच्चों को आप इसको खिलाइए। ये देखिए मेरा एक बड़ा बहुत अच्छे से सीख चुका है, जो मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से हमारे फूले फूले बड़े बड़े सुंदर सुंदर बड़े बन जाएंगे। आप बनाइए। धन्यवाद।